अरे कमल जी दीदी, कोई आदमी मुझसे मिलने आ रहा है। अगर सुधा शर्मा के लिए पूछे तो कहना तुम ही सुधा शर्मा हो, और किसी के लिए पूछे तो कहना वो यह नहीं रहती। लेकिन दीदी बहस मत कर, जल्दी जा, मैं उससे मिलना नहीं चाहती। क्या बात है बेटी, तुम परेशान क्यों, कौन आया? सुधा जी हैं। क्यों? मिलना है। क्यों मिलना है? उन्हीं को बताऊंगा। तो बताइए, मैं ही हूँ सुधा शर्मा। आप हैं सुधा शर्मा जी? क्यों, कोई एतराज है आपको? जी नहीं, इतराज तो नहीं है, मगर हैरानी जरूर है। गाने में तो आपकी आवाज कोयल जैसी लगती है, मगर बोलने में आप... कृपा करके आप मेरा वक्त खराब मत कीजिए। नमस्ते। अच्छा, माना ही नहीं कि सुधा शर्मा मैं हूँ। मगर वो था कौन? कौन था बेटा? कोई नहीं मामा जी। नमस्ते। सुनिए। मुझे नहीं सुनी आपकी कोई बात। रमा जी मैं... भैया ये चले जाए तो दरवाजा बंद कर देना, और कह देना फिर यहाँ कभी ना आए। देखिए आप, मैं... मैंने सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। फिर कभी बता दीजिएगा, मेहरबानी करके अभी आप यहां से चले जाइए प्लीज। का फोन था सर? पता नहीं कट गया, लेकिन प्रकाश मुझे ऐसा लगा जैसे दूसरी तरफ कोई था, बोला नहीं। फोन मिला के बोलेगा क्यों नहीं सर, आजकल लाइनें बड़ी गड़बड़ रहती हैं। सुन, बड़े बंगले फोन कर, प्रकाश जी को बुला, उनसे कहे डॉक्टर शिंगल बात करना चाहते हैं। जी अच्छा। सर हेलो, प्रकाश जी घर में हैं? डॉक्टर सिंघल आपसे बात करना चाहते। प्रकाश मैं इंदर, देख मैं जानता हूं कि सर तेरे पास हैं, इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूं जरा संभल के सुन। आप कहिए तो। प्रकाश रमा जी जिंदा हैं, लेकिन देख सर को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। प्रकाश तू यहां आ जा, मुझसे तो वो मिली नहीं, शायद तुझसे मिल ले। ठीक है मैं अभी आता हूं। किसका फोन था प्रकाश? डॉक्टर साहब का। ऐसा क्या कहा डॉक्टर साहब ने जो तुम घबरा गए? घबराए नहीं थे सर, कह रहे थे उन्होंने एक नया इलाज ढूंढ निकाला है आपका, बहुत एक्साइटेड थे, मुझे अभी बुलाया है। सर लैला बहन यही है, आप इजाजत दें तो मैं हूं जरा। हाँ हो आओ, पर उनसे कह देना मेरे लिए परेशान ना हो। जी सर। क्या हुआ, चाचा की तबीयत तो ठीक है? हाँ। तो फिर क्या बात है? रमा जी जिंदा है। हाँ, इंद्र ने उन्हें ढूंढ निकाला है। चाचा को बताया? नहीं, डॉक्टर ने उन्हें हर अच्छी बुरी खबर से दूर रखने को कहा है। क्या इंद्र ने खुद रमा को देखा है? हाँ, पर वो उससे मिली नहीं। देखूं, वो मुझसे भी मिलती है या मिलने से इनकार कर देती है,
लैला बहन, मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम सर्कस का ख्याल रखना। हाँ हाँ जरूर। नीचे चाचा। बेटी तू तू रो क्यों रही है? आज रमा बहुत याद आ रही है चाचा। भूल क्यों नहीं जाती उसे? अरे जाइए जाइए, हमसे मत बनिए। जैसे कि मैं जानती नहीं उसके बगैर आपकी क्या हालत हो रही है। एक जरा से झूठ बोलने पर उसे घर से निकाल बाहर किया, और खुद जो दिन रात अपने आप से झूठ बोलते रहते हैं वो कुछ नहीं। आप कैसे आना हुआ? ये देखने आया था कि। अरे आपने देखना कब से सीख लिया है? जब से लोगों ने अपनी मौत की झूठी खबर उड़ाना सीख लिया है। बड़ी बात तो यह है प्रकाश जी कि आपने भी देखना सीख लिया है। क्या देखा है आपने? देखा कि लोगों ने सिर्फ अपना नाम ही नहीं बदला, खुद भी बिल्कुल बदल गए हैं। रमा जी, मैं इस मेरा नाम सुधा शर्मा है। और क्या क्या देखा है आपने? और ये भी देखा कि आप अपने इस नए नाम और नई जिंदगी से खुश भी हैं। मेरे खुश होने पर तो आपको हमेशा ही इतराज रहा है। मैं सफाई नहीं देना चाहता। सुधा शर्मा को सफाई देने से कोई फायदा भी नहीं है। पर मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि आप इतना बदल सकती हैं। मैंने आपको देवी जानकर पूजा, पर आप देवी नहीं, देवी की मूर्ति निकली जो ना कुछ देख सके ना महसूस कर सके। जो लोग पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या महसूस किया प्रकाश जी? मैंने तो सुना है सभी बहुत खुश हैं, लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। अरे मेरे मरने का दुख ही ना हो किसी को तो मरने का मजा ही क्या है, इसलिए मैं जी उठी। पिताजी को बताइएगा मत कि मैं जिंदा हूं, जानकर उन्हें बहुत दुख होगा। कौन पिताजी? मैं सुधा शर्मा के पिता को नहीं जानता रमा जी। मैंने कहा ना। हाँ हाँ जानता हूं तुम सुधा शर्मा हो, मगर ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है कि तुम जिंदा हो। तुम तो अपने पिताजी के दुखों का अपमान करके अभी अभी मेरे सामने मरी हो। अरे आप, नमस्ते नमस्ते। प्रोफेसर साहब आप कैसे हैं? जब आपने देखा था उससे भी ज्यादा जोर जोर से हंस रहे हैं। प्रकाश जी इतना बिगड़िए मत, उस समय रमा की हालत ऐसी थी कि मुझसे सच नहीं बोला गया। सच क्या मतलब? ना आप तुम्हें मतलब पूछने का अधिकार है और ना मतलब जानने का। रमा गई? नहीं, प्रकाश के साथ आ रही है। प्रकाश भैया ने सब कुछ बता दिया ना उसे? हाँ, मैंने गाड़ी को पीछे के रास्ते से आने के लिए कह दिया है। ख्याल रहे सर को अचानक ही पता नहीं चलना चाहिए कि रमा जी जिंदा है। डॉक्टर ने बार बार कहा है कि किसी भी एक्साइटमेंट से उनकी जान को खतरा हो सकता है। रमा जी आ रही है, उन्हें जरा संभाल लीजिएगा लैला बहन। हाँ हाँ। बाबूराम, पंडित जी के लिए नीचे वाला रूम खोलो। अल्लाह का लाख शुक्र। चल। कौन? मैं हूं चाचा। ओ
अभी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। प्रकाश आ गया? जी सर। प्रकाश, क्या कहा तुम्हारे डॉक्टर ने? सर वो वो डॉक्टर साहब ने अरे झिझक क्यों रहे हो भाई? प्रकाश, अब ये दुनिया देखने की मेरी कोई इच्छा नहीं रही। डॉक्टर बेचारे क्या जाने मेरी आत्मा का नासूर क्या है। फिर वही बात चाचा, अब अगर ऐसी बात आपने मेरी सहेली के बारे में की तो मैं चली जाऊंगी यहां से। आज तो उसकी बात तूने ही छेड़ी थी बेटी। मैं तो चाहता हूं कि वो मेरे सपनों में भी कभी ना आए, पर ऐसे हो कहां पाता है। कभी कभी तो लगता है वो मेरे पास आई है और कह रही है। क्या कह रही है चाचा? नहीं बेटी, वो ना आए तो ही अच्छा है। उसने मुझे इतना दुख दिया है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। देखा प्रकाश, लैला रूठ कर चली गई। वो समझती ही नहीं कि सुनो, आइंदा मेरे सामने रमा का जिक्र कभी मत करना। अपने बाबूराम के हाथ की चाय नहीं पिएंगे? हाँ 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 हाँ, सुबह सुबह तुम्हारे हाथ की चाय पिए बिना मजा नहीं आता बाबूराम। पीजिए, मजा आएगा। कौन है प्रकाश? सर, प्रभाकर चतुर्वेदी जी हैं, शास्त्री जी के बहुत बड़े पंडित, आपसे मिलने आए हैं। बाबूराम, एक कुर्सी लाना। भाई नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार पंडित जी, आइए आइए बैठिए। हम यहाँ हवा बदलने आए थे, सुना आप भी यही हैं। मेरी भांजी भी मेरे साथ है, साहित्य की स्टूडेंट है और आपकी बड़ी भक्त है। प्रणाम करके आशीर्वाद लो बेटी। अब आशीर्वाद कहाँ से दूं पंडित जी, मेरे सब आशीर्वाद खत्म हो गए। जीती रहो बेटी। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? सुधा। क्या हुआ चाचा? चाचा, वही आवाज है जी। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, वो मेरी जिंदगी का एक अभिशाप है। कहाँ रहती हो बेटी? जी मेरे ही पास रहती है, इसे संगीत का बहुत शौक है ना, इसलिए मेरे पास रहकर गाना सीखती है। उसे भी संगीत का बहुत शौक था। किसे शर्मा जी? उसके बाद छोड़ दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। एक गाना सुनाओगी बेटी? हाँ सुनाओ बेटी, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। खिली थी एक दिन बाद।
बोलते क्यों नहीं? मैं कौन? मैं कौन? मैं प्रकाश। क्या हुआ सर? क्या बात? दरवाजे के पास कौन है? जी? कोई भी तो नहीं है चाचा। वो आई थी। कौन? रमा। आपने ख्वाब देखा होगा चाचा। नहीं बेटी, मैं सच कह रहा हूँ। वो आई थी, रो रो कर क्षमा मांगने आई थी शायद। तो क्षमा कर दीजिए ना सर। मरने से पाप हल्का हो जाता है क्या? वो जिंदा होती तो भी मैं उससे इतनी ही नफरत कर रहा होता, पर काश वो जिंदा होती, काश वो जिंदा होती। वो जिंदा है सर। इंदर? जी हां सर। समझा। तो रमा मतलब सुधा शर्मा तुम्हारे साथ आई है? जी नहीं सर, वो मेरे साथ कहीं भी नहीं थी। लैला बेटी, तुम जरा यहां से चली जाओ, मुझे इंदर और प्रकाश से कुछ बातें करनी है। चाचा। नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जाओ जाओ। ये बात तो मैं तुमसे बाद में पूछूंगा प्रकाश, के तुमने मुझे इंदर सक्सेना के घर में क्यों रखा? मेरे अंधेपन का यूं अपमान तुमने क्यों किया? सर बस इंदर जी, आप ही के घर में आपको यह पूछना अजीब तो जरूर लगेगा, पर क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? आपको आप ही की एक बात याद दिलाना चाहता हूं सर। रामचरितमानस पर एक लेक्चर देते हुए आपने कहा था कि जिस तरह किसी गंदी जगह जाकर धूप मैली नहीं हो जाती, उसी तरह सीता जी भी कभी मैली नहीं हुई थी। कहना क्या चाहते हो? कहना यह चाहता हूं सर कि रमा जी भी धूप है। अगर आप ये समझते हैं कि मेरा घर एक गंदी जगह थी, तो भी वहां जाकर रमा जी अपवित्र नहीं हो गई। अच्छा, तो तुम मुझे सिखाने आए हो? नहीं सर, सिर्फ इतना कहने आया हूं कि हम लोगों ने जो कुछ भी किया वो एक खेल था, पागलपन था। ऐसा कुछ नहीं था जिससे आपका सर नीचा हो। और अगर आप इसे झूठ भी कहेंगे, तो वो छोटा सा झूठ आपके बुढ़ापे को यह हक नहीं देता कि आप उनकी जिंदगी के शीशे पर पत्थर मारें। बस इतना ही कहने आया था। प्रकाश, अभी आप कुछ मत पूछिए सर, पहले मुझे एक बात पूछ लेने दीजिए। आपका हाथ मेरे सर पे है, कहिए क्या मैं जानते बूझते कोई गलत, कोई बुरा काम कर सकता हूं? नहीं प्रकाश, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। एक तुम ही हो जिसने जिंदगी पर मेरे विश्वास को जिंदा रखा है। तो फिर बिना कोई सवाल किए मेरी दो बातें मान लीजिए सर। रमा जी को क्षमा कर दीजिए और इंद्र से उनकी शादी कर दीजिए। क्या बोला लबन? कुछ नहीं, आप दोनों की शादी तक मैं रुक नहीं पाऊंगी ना, इस दुख से रोना आ गया मुझे। इंद्र जी, आप तो प्रकाश भैया के जिगरी दोस्त हैं ना? हाँ। तो बता सकते हैं आप उन्हें इस उम्र में इतने दुख क्यों झेलने पड़ रहे हैं? किस पाप की सजा मिल रही है उन्हें? मैं बता सकती हूं, दो पाप किए हैं उन्होंने। एक तो ये कि वो एक बेहद शरीफ इंसान है, और दूसरा वो रमा को जी जान से प्यार करते हैं। क्या प्रकाश, रमा जी से? आप सच तो कह रहे हैं ना लैला बहन? इंदर जी, आपको अपने जिगरी दोस्त के बारे में इतना भी नहीं मालूम? इतना भी नहीं मालूम कि जब कोई अपनी महबूबा से गहरा और सच्चा प्यार करता हो
तभी तो वो उसके बारे में इतने यकीन के साथ ऐसी शर्त लगा सकता है। तो क्या रमा जी भी प्रकाश से? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन रमा प्रकाश भैया की बहुत इज्जत करती थी और अब तक शायद वो इज्जत प्यार में बदल चुकी होती अगर आप अपनी मक्खन की जुबान लेकर बीच में ना आ गए होते। बोल रही हूँ। लैला बहन, मैं इंदर। कल अचानक आप चले क्यों गए? चाचा मामा जी सब पूछ रहे थे। शादी का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा? लैला बहन, कल 8:30-9 बजे के बीच आप प्रकाश और रमा जी को लेकर यहां आ सकती, बहुत जरूरी काम है। देखिए, आपके इंदर भैया की आखिरी इल्तिजा है, आएंगी ना? अच्छा, आइए आइए आइए। सामने जाकर दाहिने मुड़ जाइए। कैसे आ गए? आप ही ने तो कहा था। हाँ, मगर फोन करके आना चाहिए था। बुलाया किस लिए? सुना है तूने मेरी शादी तय कर दी है? तू रहा इडियट का इडियट। अरे मैं एक दौलतमंद आदमी हूं, शादी करनी होती तो लड़कियों की कमी सी क्या है इस दुनिया में। प्रकाश, तू तो जानता है कि मैं एक ठेकेदार हूं, हर काम ठेके पे करता हूं। जो चीज पसंद आई, दाम पटाया, मोल तोल किया और ले ली। अब रमा जी को ही ले लो। तूने शर्त लगाई थी कि ये हवा नहीं लगने देंगे अपनी, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर ये मेरे बेडरूम में नजर आए। क्यों, दिखला दिया कि नहीं? आप क्यों खड़ी रह गई? इंदर भाई, उन लोगों के सामने तो आपने बहुत अच्छी एक्टिंग कर ली, लेकिन मैं समझ गई। लैला बहन, ये बात तुम्हारे हमारे बीच रहनी चाहिए। ऐसा ही होगा इंदर भाई, ऐसा ही होगा। खुदा हाफिज। डॉली, डॉली, थैंक यू वेरी मच।
लखना। जी साहब। ये बड़ा दरवाजा बंद कर दे, जिसे जिसे आना था आकर चला गया। डॉली, प्रकाश, लैला, रमा, अब न कोई आएगा न कोई जाएगा। साहब, साहब। क्या है? प्रकाश भैया ये चिट्ठी ले गए। इंद्र, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। एक्टिंग तो तूने इस बार भी अच्छी की थी, पर मेरे लिए तेरी ये कुर्बानी फजूल हो गई। तेरी और लैला की बातें मैंने और रमा जी ने सुन ली थी। रमा जी से मेरी बात हुई थी, वो सिर्फ मेरी इज्जत करती हैं और कुछ नहीं, इसलिए उनसे मेरी शादी का सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने अगर किसी से प्यार किया है तो सिर्फ तुझसे। अब सबकी भलाई इसी में है कि तू रमा जी से शादी कर ले। अगर मेरे बारे में सोचकर तेरा जमीर तुझे परेशान करे तो कह देना, चुप रहो, जुर्माना भर रहा हूं। तेरा प्रकाश। रमा, मैं रमा नहीं हूं, मैं तो चंदे के रुपया हूं जिसे आप प्रकाश जी को देना चाहते हैं। और प्रकाश जी, आपको मेरी ना तो कोई मर्जी है ना तो कोई जिंदगी। कमाल की बात है, शर्त लगाए आप दोनों और हारू मैं, जुर्म करे आप दोनों और जुर्माना भरू मैं। चलो सर के पास चलें। शुक्रिया, मैं इस शहर के रास्ते जानती हूं, खुद ही चले जाऊंगी। नहीं रमा, तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी से हम दोनों को एक साथ आशीर्वाद चलेना है।